तो स्पेशल रिपोर्ट में अब बात करते हैं अगली अहम रिपोर्ट की। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने हाल ही में दोनों राज्यों का दौरा भी किया था। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जहां जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में तो वहीं हरियाणा में महज 1 चरण में मतदान होगा। दोनों राज्यों में नतीजे 4 अक्टूबर को जारी होंगे। ये रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर में कब चुनाव, 3 चरणों में विधानसभा चुनाव, 90 सीटों पर होगा चुनाव। 18 सितंबर को पहले चरण का चुनाव, 25 सितंबर को दूसरे चरण की वोटिंग, 1 अक्टूबर को तीसरे चरण का चुनाव। 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव, 4 अक्टूबर को चुनाव के नतीजे। चुनाव आयोग ने शुक्रवार को जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। बता दें कि जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। आखिरी बार जम्मू कश्मीर में 2014 में चुनाव हुए थे। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जम्मू कश्मीर में 3 चरण में मतदान होगा। 18 सितंबर को पहले चरण का मतदान होगा, 25 सितंबर को दूसरे फेज की वोटिंग, 1 अक्टूबर को तीसरे चरण का मतदान होगा, जबकि 4 अक्टूबर को मतगणना होगी। फ्रेंड्स, कमिंग टू हरियाणा, वी आर अनाउंसिंग इलेक्शंस फॉर हरियाणा आल्सो। हरियाणा में जो टोटल कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वो 90 हैं, जनरल 73, एसटी 0 और एससी कॉन्स्टिट्यूएंसी 17 हैं। अगर इलेक्टर्स इन हरियाणा की बात करें तो टोटल राज्य में 2.1 करोड़ इलेक्टर्स हैं, जिसमें 1.06 करोड़ मतदाता हैं और इसमें महिलाओं की संख्या 95 लाख है। थर्ड जेंडर 1.50 लाख पीडब्ल्यूडी और 2.54 लाख हमारे 85 एज ग्रुप से ज़्यादा के मतदाता हैं। और जो हरियाणा की एक रोबस्ट हेल्दी लाइफ स्टाइल है, उसमें हमारे 10,321 ऐसे मतदाता हैं जो शतायु हैं, उन सबको हमारा नमन। और वो सब वोट देने आए, इसकी हम पूरी की पूरी कोशिश करेंगे। जम्मू कश्मीर का चुनावी समीकरण, घाटी ने बुलेट के बदले बैलेट चुना, उम्मीद और जमहूरियत की तस्वीर दिखी। जम्मू कश्मीर में कुल 90 विधानसभा सीटें, जम्मू कश्मीर में 8.709 लाख वोटर, करीब 20 लाख युवा मतदाता, 20 अगस्त को वोटर लिस्ट, 9,169 पोलिंग स्टेशन होंगे। जम्मू कश्मीर में बूथ पर लंबी कतारें दिखी। लोग जम्मू कश्मीर को बदलना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों ने आतंक को नकारा। लंबी कतार, नई इबारत लिखने की उम्मीद। जम्मू कश्मीर में अब विधानसभा सीटों की संख्या बढ़कर 90 हो गई है। जम्मू में अब 43 तो कश्मीर में 47 सीटें होंगी। पीओके के लिए 24 सीटें ही रिजर्व हैं। यहां चुनाव नहीं कराए जा सकते, जबकि लद्दाख में विधानसभा ही नहीं है। इस तरह से कुल 114 सीटें हैं, जिनमें से 90 पर चुनाव कराए जाएंगे। हरियाणा का इलेक्टोरल रोल 27 अगस्त 2024 को प्रकाशित हो जाएगा, लेकिन उसके बाद भी दिस इज अगेन ट्रू फॉर जे एंड के एंड हरियाणा बोथ, इलेक्टोरल रोल फाइनल हो जाएंगे वहाँ 20 को और यहाँ 27 को। सबको कॉपीज मिल जाएंगी, पहले से भी पब्लिश हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई मतदाता छूट गए तो उन्हें अपना नाम पंजीकृत कराने का अभी भी नॉमिनेशन से पहले समय होगा।
पोलिंग स्टेशन्स अगर देखें तो हरियाणा में 20,629 पोलिंग स्टेशन्स होंगे और जिसमें लोकेशन आधी होंगी यानी 10,500 के करीब, 495 टू बी प्रिसाइज, यानी एक जगह पर दो बूथ या तीन बूथ होंगे क्योंकि शहरी इलाके हैं। अर्बन एरियाज़ में 7,000 के लगभग और रूरल एरियाज़ में 13,000 के लगभग पोलिंग स्टेशन्स होंगे। यहाँ भी हम लोग यूथ PWD वीमेन मैनेज्ड बोर्ड्स बनाएंगे। और एक चेंज और हरियाणा में इस बार किया है, जो पूरी कंट्री में अर्बन एरियाज़ में हम लोग कर रहे हैं और स्लम एरियाज़ में, स्लम एंड मल्टी स्टोरीज इन अर्बन एरियाज़, उसमें जो मल्टी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, मल्टी स्टोरी हाउसिंग सोसाइटीज़, उनमें भी पोलिंग स्टेशंस बना रहे हैं। तो हरियाणा में इन पर्टिकुलर गुड़गांव, फरीदाबाद और सोनीपत, इनमें काफ़ी पोलिंग स्टेशंस को मल्टी स्टोरी में शिफ्ट किया और वहाँ की जितनी स्लम्स हैं उनमें भी जहाँ रेशनलाइजेशन की ज़रूरत है वो किया है, ताकि दोनों क्षेत्रों में कंजेशन भी कम हो सके और वोटिंग की परसेंटेज भी बढ़ सके। तो जितने मेट्रोपॉलिटन बड़े सिटीज़ हैं, दिस इज़ वन वे ऑफ हैंडलिंग दी सो कॉल्ड अर्बन अपैथी इन दी इलेक्शंस। जम्मू रीजन में सांबा, कठुआ, राजौरी, किश्तवाड़, डोडा और उधमपुर में एक एक सीट बढ़ाई गई है। वहीं कश्मीर रीजन में कुपवाड़ा जिले में एक सीट बढ़ाई गई है। हरियाणा में चुनाव, हरियाणा में 90 विधानसभा सीटें, हरियाणा में 2,01,00,000 वोटर, 10,121 वोटर 100 वर्ष से ज्यादा, हरियाणा में 20,629 पोलिंग स्टेशन, हरियाणा में 27 अगस्त को वोटर लिस्ट, हरियाणा में 150 मॉडल पोलिंग बूथ, हरियाणा में 1 अक्टूबर को होगा मतदान, 4 अक्टूबर को होगी मतगणना। नॉट टू रिपीट बट ऑल पोलिंग स्टेशंस विल, एज द कमीशन हैज प्रॉमिस्ड, वुड हैव 100% फैसिलिटीज फॉर ड्रिंकिंग वाटर, टॉयलेट्स फॉर मेल एंड फीमेल बोथ, साइनेजेस, रैंप, व्हीलचेयर्स, शेड्स, और अब की बार शेड की इतनी ज़रूरत शायद ना पड़े, मौसम अच्छा है, जो पिछले इलेक्शंस में गर्मी की वजह से दिक्कत हुई थी इस बार नहीं होगी। इंक्लूसिव एंड एक्सेसिबल इलेक्शंस कराने के लिए हम पूरी तरह तत्पर हैं। इन दोनों राज्यों में जैसे अब पैन इंडिया 85+ लोगों को घर जाके वोटिंग का समय मिलता है, वो मिलेगा। और फिर से एक बार और दोबारा कुछ लोगों ने ये पूछा था वहाँ पर कि जब भी 85+ की घर पे वोटिंग होती है तो पॉलिटिकल पार्टीज के एजेंट्स उनके साथ जा सकते हैं, सो दैट दे कैन सी फॉर देमसेल्व्स देयर इज नो मैनिपुलेशन एट ऑल। वही हरियाणा विधानसभा की 90 सीटों के लिए चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। हरियाणा की सभी 90 सीटों के लिए एक ही चरण में मतदान होगा। सभी 90 सीटों पर 1 अक्टूबर को मतदान होगा और चुनाव नतीजे 4 अक्टूबर को मतगणना के बाद आएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने चुनाव कार्यक्रम का ऐलान किया। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि जम्मू कश्मीर की आवाम तस्वीर बदलना चाहती है, चुनाव के लिए हर किसी में उत्सुकता है। टीम ने जम्मू कश्मीर और हरियाणा का दौरा भी किया था। हम मौसम ठीक होने के इंतजार में थे, अमरनाथ यात्रा खत्म होने का इंतजार था। जम्मू कश्मीर के इस समय 8.7% मतदाता हैं। यहां 20,00,000 से ज्यादा युवा हैं। 20 अगस्त को फाइनल वोटर लिस्ट जारी होगी। बता दें कि मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि हरियाणा में 2 करोड़ से ज्यादा मतदाता है। 90 में से 73 सीटें सामान्य है। हरियाणा में 27 अगस्त को वोटर लिस्ट जारी होगा। हरियाणा में 20,269 पोलिंग स्टेशन है, 150 से ज्यादा मॉडल पोलिंग बूथ होंगे। हरियाणा विधानसभा का कार्यकाल 3 नवंबर को खत्म हो रहा है। पिछले चुनाव में बीजेपी बहुमत हासिल नहीं कर सकी थी। बाद में बीजेपी ने दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी के साथ गठबंधन कर सरकार बनाई थी।
हालांकि इसी साल मार्च में बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन टूट गया था। फिलहाल हरियाणा में एनडीए के पास 43 और एनडीए ब्लॉक के पास 42 सीटें हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।